हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर एक शोल्डर बैग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन, और अब इसके साथ में आपको बताना चाहूँगी कि इसके अंदर हमने एक फुल पॉकेट इस तरह से दी है, एकदम नीट एंड क्लीन है। और एक पॉकेट हमने यहाँ पर दी है फुल, ये भी काफ़ी बड़ी है। और बैक साइड में भी एक पॉकेट हमने दी है फुल, और तीन पॉकेट फुल बड़ी पॉकेट का ये आज हमने शोल्डर बैग तैयार किया है। और ये ऑफिस, मार्केट, बाजार, बच्चों के साथ जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें हमने स्पेस दी है वो इसमें आप टिफ़िन बॉक्स है, अम्ब्रेला है, वाटर बॉटल है, पेपर है, मोबाइल है, दोनों साइड में आप कुछ ना कुछ अपना सामान रख सकती हैं। उसके अलावा इसमें जो इतनी स्पेस है इसमें भी काफ़ी कुछ सामान रखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका मेजरमेंट क्या है और इसको हमने कैसे तैयार किया है। आज का बैग बनाने के लिए हमने 12x16 इंच के टू पीस लिए हैं, और 4x12 इंच का एक पीस लिया है। 12x16 इंच के टू पीस लाइनिंग ली है, 4x8 इंच का टू पीस फैब्रिक यहाँ पर भी लिया है, लाइनिंग का ही पीस है। बेल्ट हमने लिया है यहाँ पर 24 इंच की टू पीस, और 1.5 इंच x16 इंच के टू पीस यहाँ पर फैब्रिक लिया है हमने इस तरह से। और 14 इंच की 1 जिप ली है, एक रनर इसमें डाल दिया है, और 9 इंच की 2 जिप ली है, इसमें भी हमने रनर डाल दिया है, और एक बड़ी पाइपिंग ली है। तो चलिए बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेजरमेंट करेंगे और एक पीस लेंगे। तो ये हमारा 12 है और ये हमारा 16 है। तो 16 का जो आपके सामने से लेफ्ट हैंड पर कॉर्नर आएगा, वहाँ से हम इस तरह से सीधा रखते हुए 6 इंच डाउन जाएंगे, इस तरह से 6 इंच डाउन जाएंगे, और यहाँ पर एक क्रॉस का निशान दे देंगे। ये सेंटर हो जाएगा हमारा 6 इंच का। 6 इंच से 3.5 इंच इधर निशान लगाएंगे, 3.5 इंच इधर, और एक पूरी लंबी लाइन खींच लेंगे। तो ये हमको यहाँ पर 7 इंच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब इस पर हम जो हमारे पास 4x8 इंच का जो हमने कपड़ा लिया है उसको लेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, इस पर उसी निशान को मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा सेंटर है 6 इंच का, और ये हमारा 7 इंच का डिस्टेंस आ गया। अब इस पर हम सिलाई चलाएंगे और इस पर अब हम मशीन चलाएंगे इसके किनारे किनारे। अब ये जो लाइन है इसको बीच से जो सेंटर मार्क निकाला था वहाँ से कट करेंगे। बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको हम फिनिशिंग देंगे। ये हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से स्पेस बना ली है। अब यहाँ पर हम 9 इंच की 1 जिप लगाएंगे पीछे की तरफ से, और रनर ये बाहर आना चाहिए हमारा, और इस पर हम यहाँ पर सिल देंगे। और अब इसको यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। इसको इस तरह से तैयार करने के बाद 12x16 इंच का दूसरा पीस लेंगे और पीछे से पूरा इसको कवर कर देंगे। और ये हमने एक पॉकेट बड़ी तैयार कर ली। अब इसका सेंटर निकालेंगे 16 इंच के एरिया पर। ये 16 है, ये 8 इंच हमारा सेंटर आ गया। सेंटर से 3 इंच इधर, 3 इंच इधर, 6 इंच का मार्जिन देंगे, और जो बेल्ट है हमारे पास 24 इंच की उसको यहाँ पर हम लगा देंगे। तो और ये जो हमने यहाँ पे 6 इंच पर एक निशान लगाया है, तो बेल्ट का भी जो सेंटर होगा उसके साथ मिलाते हुए इसको यहाँ पर पैक कर देंगे। और सेम प्रोसीजर में
जो हमारे पास दूसरा 12x16 इंच का पीस है इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से 6 इंच डाउन जाते हुए 7 इंच पर मार्जिन रखते हुए कट कपड़ा लगा के जिप लगा करके और कंप्लीट करेंगे। ये दो पीस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद 1.5 इंच बाई 16 इंच का पीस लेंगे और इन दोनों को हम इस तरह से सिल देंगे साइड में। और जो 14 इंच की जिप है अब हम उसको लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। ये हमारा सीधा है, ये उल्टा है। और जिप को इसके सेंटर पर रखते हुए, ये जो सिलाई आई है, जिप का सेंटर और सिलाई का सेंटर मिलाते हुए इसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे। और इसका जो दूसरा सेंटर है उस पर जिप का दूसरा सिरा जोड़ देंगे। अब जितना फैब्रिक है ये हमारा यहाँ पर आएगा और इसको हम सिप के साथ पूरा जोड़ देंगे। इसी तरह से जिप के साथ ये दूसरा सिरा भी हम जोड़ देंगे। ये हमारी जिप यहाँ पर कुछ इस तरह से सीधी आ जाएगी। अब इसके बाद ये दोनों पीस लेंगे हम और इसको दोनों सीधा रखते हुए और जो 12 इंच का एरिया है पहले हम इसको जोड़ के और पाइपिंग चढ़ा देंगे। इस पर पाइपिंग चढ़ाने के बाद अब हम लेंगे 4x12 इंच का पीस और ये जो 4 इंच है इसका हम सेंटर यहाँ पर निकाल लेंगे दोनों साइड में। सेंटर निकालने के बाद ये जो सेंटर है इसको इस ये जो पाइपिंग चढ़ाई है इसके साथ मिलाते हुए पहले दोनों 4 इंच के एरिया जोड़ेंगे फिर उसके बाद 12 इंच का जोड़ देंगे। और इसमें हमने बॉटम भी जोड़ दिया और पाइपिंग भी लगा दी। अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद बेल्ट को अपनी जगह पे कर देंगे और ये जो हमने 14 इंच की जिप तैयार की थी इसको खोलते हुए पूरा खोल देंगे और इसको हम इसी तरह से उल्टा ही इसके ऊपर सेट करेंगे। इसके अंदर से तरह से लाएंगे और ये जो जिप का हिस्सा, ये जो जोड़ है यहाँ पर, इस सिलाई को और इस सिलाई को एक साथ मिलाते हुए चारों तरफ हम सिल देंगे। नीचे जिप रहेगी इसका ध्यान रखना है, बेल्ट अंदर रहेगी। इसको पूरा यहाँ पर सेट कर लें, सिलाई के साथ सिलाई को मिलाते हुए चारों तरफ जोड़ देना है। और इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद इसको हम अंदर करेंगे जिप वाला हिस्सा और ये जो अभी जोड़ लगाया है क्विल्टेड के साथ जिप वाला प्लेन हिस्सा, इसको हम इस तरह से रखते हुए जिप, ये बेल्ट को बाहर रखते हुए इस तरह से और यहाँ पर एक फिनिशिंग की मशीन चला देंगे गोलाई से।
और इसको इस तरह से तैयार करने के बाद ये जो सिलाई दिखाई दे रही है बस इसको यहाँ पर इस तरह से सीधे यहाँ से यहाँ तक दबा देना है। यहाँ पर डबल मशीन देते हुए इसको दबाते हुए यहाँ पर फिनिशिंग दे देनी है। और ये हमारा शोल्डर बैग कंप्लीट हो गया और इसमें हमने तीन फुल पॉकेट दी हैं और एक बड़ी पॉकेट यहाँ है एकदम नीट एंड क्लीन, एक पॉकेट हमने यहाँ पर दे दी काफ़ी बड़ी और गहरी है और एक पॉकेट हमने यहाँ पर दे दी। अब ये जो दो पॉकेट हैं इनमें आप अपना अम्ब्रेला रोल करके रख सकते हैं, पेपर रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स भी इसके अंदर बहुत आराम से चला जाएगा, इसको एकदम सेपरेट रख सकते हैं, वाटर बॉटल रख सकते हैं, ये ऑफिस के लिए शॉपिंग के लिए जैसे भी यूज़ करना चाहें उसके लिए बहुत ही एक अच्छा शोल्डर बैग तैयार हुआ है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।